हेलो फ्रेंड्स, मॉम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टॉपिक प्रीपोजिशन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन शोज रिलेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू द अदर इन अ सेंटेंस। जो भी सेंटेंस के अंदर आता है वर्ड, वो रिलेशन में होता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन वर्ड्स कौन कौन से प्रीपोजिशन में वर्ड होते हैं? इन, अंदर, इनका मीनिंग क्या हुआ? अंदर। ऑन, ऊपर। अंडर, नीचे। बिहाइंड, पीछे। अबव, ऊपर। इन फ्रंट ऑफ, सामने। बिसाइड, बगल। बिटवीन, बीच में। तो ये सब हमारे प्रीपोजिशन वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये मैंने पिक्चर्स बनाई हैं, तो पिक्चर को देख के हमें फिल्स भरने हैं। तो बच्चों को इस तरीके से पिक्चर्स बना कर दें और उनको फिल इन द ब्लैंक्स दें, बच्चे इनमें भरेंगे। द डॉग इज डैश द कैनल। डॉग किसके अंदर है? कैनल के अंदर। कैनल के अंदर दिखाई दे रहा है, तो अंदर के लिए हम क्या लगाते हैं? इन। तो हम क्या लिखेंगे? द डॉग इज इन द कैनल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन। पिक्चर में
सेंटेंस क्या बनाएंगे? द लायन अंदर है। तो इस तरीके से बच्चों को क्वेश्चन समझाएं। Look at the picture and tick the correct answer। बच्चों को इस तरीके से पिक्चर बनाकर दें या फिर पिक्चर चिपकाएं, इसमें क्वेश्चन पुट करें Where is the dog? इस तरह से ऑप्शन दें लिखकर On the log, in the log। तो पिक्चर में देख के बच्चे टिक लगाएंगे कि पिक्चर में क्या चीज है, डॉग कहाँ पर है। तो डॉग किसके ऊपर है? लॉग के ऊपर, ऑन द लॉग। तो हम इस पे लगाएंगे टिक, ऑन द लॉग पर इस तरीके से टिक लगवाएं। वेयर इज द पग? पग कहां पर है इस पिक्चर में? एट द टब, या इन द टब? इन द टब, टब के अंदर है। तो हम किस पे टिक लगाएंगे? इन द टब। वेयर इज द काउ? काउ पिक्चर में कहां पर है? ट्री के पीछे है, बिहाइंड द ट्री। तो हम इस पे लगाएंगे। वेयर इज द रैबिट? रैबिट पिक्चर में कहां पर है? टेबल के नीचे है। तो हम क्या लिखेंगे? अंडर द टेबल। इस पे हम टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों को टिक के करेक्ट आंसर दें, बनाने के बनाकर बच्चे इस पे टिक लगाएंगे पिक्चर को देखकर। ये पिक्चर बनी हुई है, पिक्चर को देख के इसमें हमें मैचिंग करनी है। ऑप्शन पे रैबिट कहां पर है? किसके आगे है रैबिट? बास्केट के। तो हम किस पे टिक लगाएंगे इसमें? देखिए, इन फ्रंट ऑफ बास्केट। तो रैबिट किसके आगे है? इन फ्रंट ऑफ बास्केट, बास्केट के आगे है। तो हमने मैच किया है। अब इसमें देखिए, बॉय, बॉय किसके पीछे है? वॉल के पीछे। तो हम किस पे लगाएंगे? बिहाइंड द वॉल। मंकी, मंकी किसके ऊपर है? ट्री के ऊपर बैठा है। तो हम किस पे टिक लगाएंगे इसमें? देखिए, किस पे मैच करेंगे? ऑन द ट्री। पैरेट किसमें? केज के अंदर है। तो क्या है? इन द केज। टेबल के नीचे रैट है। तो इसका क्या मीनिंग, किस पे मैच करेंगे हम? टेबल के नीचे है। तो हम क्या लिखेंगे? अंडर द स्टूल, स्टूल के नीचे है रैट। डक, डक किसमें है? पॉन्ड में। तो हम किस पे लगाएं? इन द पॉन्ड। डक कहां पर है? इन द पॉन्ड। इस तरह से बच्चों को मैचिंग करने के लिए दें। ये सब बच्चों को आएगा, ये सब कराएं, इस तरीके से कराएं, बच्चों को वर्ड मीनिंग कराएं, इस तरीके से समझाएं इनका मीनिंग, ऑन का, अंडर का, बिहाइंड का, अबव का, इन फ्रंट का, बिसाइड, बिटवीन, ये सब बच्चों को समझ में आ जाएंगे। इनके मीनिंग तो बच्चे पिक्चर देख के अपने आप इसमें फिल करेंगे, ये सब क्वेश्चन के आंसर सब लिखेंगे। इस तरीके से वर्कशीट बच्चों को कराएं। थैंक यू।